हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे तो बच्चों जैसा कि हम सबको पता है क्लास फोरथ के हम चैप्टर नंबर एट पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम एनिमल रिप्रोडक्शन तो उसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल्स की रिप्रोडक्शन करने के टू एफ्स होते हैं एक लेइंग एक दूसरा होते हैं गिव बर्थ तो हमने पढ़ा था कि लेंग एग में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं बर्ड फिश रेप्टाइल्स ये सब क्या होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे दे के वहाँ से रिप्रोडक्शन होते हैं और दूसरा हमने कहा था गिविंग बर्थ यानी सीधा बच्चे को जन्म देना वो आज हम पढ़ेंगे आप लोग देखिए पेज नंबर सेवेंटी थ्री पे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ वो एनिमल्स जो बेबीज़ को जन्म देते हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम ऑन दियर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स वो एनिमल्स जो क्या करते हैं बच्चे को जन्म देते हैं और अपना दूध पिला के उसे पालते हैं उन एनिमल्स को हम मैमल्स कहते हैं मोस्ट मेनमल्स हैयर ऑन देयर बॉडीज बहुत सारी मेनमल्स की बॉडीज पे क्या होते है हेयर होते है बाल होते हैं ह्यूमन्स डॉग्स कैट्स हॉर्स लॉइंस बियर्स एंड एलिफेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स ह्यूमन्स डॉग्स कैट्स हॉर्स लाइन्स बियर्स एलिफेंट्स ये सब क्या है मैमल्स के एग्जांपल है यानी ये सब क्या करते हैं बच्चे को जन्म देते हैं और अपना दूध पिला के उसे पालते हैं और इन सब की बॉडीज पे हेयर होते हैं बाल होते हैं डॉल्फिन्स एंड वेल्स लुक लाइक फ़िश बट दे आर मेमल्स डॉल्फिन्स और वेल्स फिश की तरह हमें दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में वो मेमल होते हैं यानी वो बच्चे को जन्म देते हैं वो लोग अंडे नहीं देते हैं इवन बैट्स आर मैमल इवन की बैट्स जो कि हमें एक बर्ड्स जैसा परिंदा जैसा दिखता है यानी वो उठते तो है लेकिन वो बर्ड नहीं है वो मैमल है उसकी जो पर होते हैं वो स्किन का बना होता है उसकी स्किन का बना हुआ होता है उसका एक्चुअल में कोई पर नहीं होता है और ये क्या कहते हैं बैट जो है अंडे नहीं देते ये बच्चे को जन्म देते हैं तो बैट को भी हम क्या कहेंगे मैमल्स कहेंगे ठीक द बेबी डिलप्स इन साइड द मदर्स बॉडी तो फिर इस केस में क्या होता है बच्चे को जन्म देने वाले केस में जो बच्चा होता है वो माँ की बॉडी के अंदर ही डिवेलप होता है जिस तरह जो एनिमल्स अंडे देकर रिप्रोडक्शन करते थे उसमें क्या होते थे उस केस में पहले एनिमल्स अंडे देते थे फिर उस अंडे के अंदर जो है बेबी डिवेलप होता था ग्रो होता था लेकिन इस केस में क्या होता है माँ की बॉडी की अंदर ही बेबी जो है ग्रो होते हैं इट्सटेज इन साइड द मदर्स बॉडी फॉर सेवरल वीक्स और मंथ्स एंड इस देन बॉर्न और क्या होते हैं ये बच्चे जो है माँ की बॉडी के अंदर ही कुछ हफ़्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए महीनों के लिए यानी कुछ एनिमल्स के बेबी जो है हफ्तों के बाद बाहर आते हैं कुछ एनिमल्स के कुछ महीनों के बाद बाहर आते हैं ठीक इतने टाइम के लिए बॉडी के अंदर आ रहते हैं उसके बाद वो जन्म देते हैं यानी बाहर आते हैं द मदर फीड्स द बेबी विथ हर ओन मिल्क एंड प्रोटेक्ट इट अन टिल इट लर्न टू लुक आफ्टर इट सेल्फ और क्या करते हैं मदर जो है अपनी बेबी को अपना दूध पिला के उसे पालते हैं और उसे तब तक प्रोटेक्ट करके रखते हैं जब तक उसे अपना ख्याल रखना ना आए ठीक बेबीज़ ग्रो बिग स्ट्रॉ एंड हेल्दी विद देयर मदर्स मिल्क जब बेबीज़ को अपने माँ का दूध मिलता है तो वो लोग क्या होते हैं बड़ा होता है स्ट्रॉन्ग हेल्दी होता है ये बच्चे अपने माँ का दूध पी के ठीक उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए आप लोग द फॉलोइंग फीचर्स डिफ्रेंशिएट मेमल्स फ्राम अदर एनिमल्स तो यहाँ पे क्या है कुछ ख़ास फीचर्स है जो कि मेमल्स को दूसरे एनिमल्स से डिफ्रेंश करते हैं यानी अलग करते हैं यानी उनमें क्या चीज़ें अलग होते हैं मोस्ट मेमल्स गिव बर्थ टू फॉर्म्ड यंग वन बहुत सारे मेमल्स जो है क्या करते हैं बच्चा जो है पूरी तरह से बनने के बाद ही उसे जन्म देते यानि बाहर जब बच्चा बाहर आता है तो उसका पूरा शेप होता है वो इनकम्प्लीट uh, नहीं होते हैं दे फीड देयर यंग वन विद देयर ओन मिल्क और क्या होता है मेमल जो है अपने बच्चे को अपना दूध पिला के उसे पालते हैं और एक डिफरेंट क्या होते हैं दे लुक आफ्टर देयर यंग वन अनटिल द यंग वंस आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर देम सेल्फ मैमल जो है अपने बच्चे का तब तक तब तक ख्याल रखते हैं जब तक उस बच्चे को अपना ख्याल रखना ना आए यानी बहुत ओल्ड होने तक बहुत सारे सालों के लिए वो लोग क्या करते हैं अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं ठीक तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर एट कम्प्लीट होते हैं इन श कल के वीडियो में वॉक्स करेंगे इस चैप्टर के आज हम यहीं तक देखेंगे अल्लाह हाफिज़